भारत के इन कमांडोज के सामने नहीं टिक सकता पूरी दुनिया में कोई। हमारी भारतीय सेना सबसे ताकतवर है और हमारे जवानों को सबसे उच्च स्तर की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारी सेना में ऐसे कमांडोज भी है जो सबसे ताकतवर और खतरनाक है, और उन कमांडोज का नाम है माकोस। माकोस कमांडो बनना आसान नहीं है। सेना के जवानों में से कोई एक ही जवान माकोस कमांडो बन पता है। माकोस कमांडो भारत की सबसे ताकतवर कमांडोज होते हैं और वे किसी भी तरह के ऑपरेशन को कम्प्लीट करने में सक्षम होते हैं, पर खासकर समुद्री ऑपरेशन में उनको महारत हासिल होती है। माकोस कमांडोज की ट्रेनिंग सबसे कठिन होती है और ये ट्रेनिंग करीब 3 साल तक चलती है। माकोस कमांडो के लिए 20 साल तक के नौजवानों का सिलेक्शन किया जाता है और 1000 लोगों में कोई एक ही इस प्रक्रिया को पूरा कर पाता है। ट्रेनिंग का सबसे कठिन प्रोसेस होता है डेथ क्रॉल, जिसके अंतर्गत जवान को जांघों तक कीचड़ में दौड़ना पड़ता है। दौड़ के वक्त उनके कंधों पर करीब 25 किलो वजनी बैग भी होता है। इसके बाद जवान को हाहो और हालो नाम की ट्रेनिंग को भी पूरा करना होता है, जिसके तहत हालो जंप में जवान 11 km की ऊंचाई से जमीन पर जंप करना होता है और जमीन के करीब आकर पैराशूट को ओपन करना होता है। दूसरी होती है हाहो, जिसके अंतर्गत जवान को 8 km की ऊंचाई से कूदकर 11 सेकंड के अंदर पैराशूट को ओपन करना होता है। माकोस कमांडोज को हर तरह के हथियार को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन कमांडोज के घर वालों को भी नहीं मालूम कमांडोज है। इन्हें अपनी पहचान को छुपाकर कर रखना होता है और इन कमांडोज को ट्रेनिंग इन सभी मेन्यू में दी जाती है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए वीडियो को